जितनी आंखें हैं आपको देख रोशन होती हैं, जितनी आंखें आपको देख रोशन होती हैं, जितने हौसले आपको सुन बुलंद होते हैं, कितने सपने आपको सोच साकार होते हैं, और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ दिल आप ही के लिए धड़कते हैं, आप ही के लिए धड़कते हैं। मैं आप आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे देश के मुख्यमंत्री सरल मृदुभाषी और हरदिला जी माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपना अंतिम और अगला बोलें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, रूप कुमारी चौधरी जिंदाबाद, रूप कुमारी चौधरी जिंदाबाद, फिर एक बार अब की बार आज बसना के ये पावन धरती में, आज के चुनावी सभा में मंच में विराजमान आप उनके क्षेत्र के सांसद श्री चुन्नीलाल साहू जी, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के हमारे पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, आप उनके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री अमरजीत छाबड़ा जी, सह प्रभारी श्री अजय सिंह जी, संयोजक डॉक्टर एन के अग्रवाल जी, जिला के उपाध्यक्ष जितेंद्र त्रिपाठी जी, हमर सतनामी समाज के धर्म गुरु गुरु दीदी प्रियंका गुरु जी, महासमुंद जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती रुक्मणी पटेल जी, डॉक्टर अखिलेश भोई जी, श्री गजेंद्र साहू जी, श्री सुमित अग्रवाल जी, श्रीमती हेम कुमारी नायक जी, श्रीमती वृंदावती पांडे जी, श्री सतपाल सिंह छाबड़ा जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, श्री हरप्रसाद पटेल जी, श्री माधव साहू जी, श्री कृष्ण कुमार साहू जी, श्री नरेश सिंगल जी, श्री स्वप्निल तिवारी जी, श्री मथामणि बढ़ाई जी, श्रीमती ममता साहू जी, विक्की सलूजा और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, महिला नेत्रीगण, ककरो नाम छुट्टी सोई तो मैं क्षमा चाहूँ। और आज के विशाल जनसभा में, विशाल चुनावी जनसभा में सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के मित्र मन, मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप उनके बीच में आए हो और आप मन भारी स्वागत करे हो, गजमाला से भी स्वागत करे हो, तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनके मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप मन के भी मोर तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे सबो नेता वाला अपन सुन चुके हैं, हमारे विधायक जिला भी सुने, सांसद जिला भी सुने हैं, हमारे प्रत्याशी भी अपन से आशीर्वाद ले चुके हैं। मैं तो मुख्यमंत्री के नाते ये बताए बनाए हूँ कि अभी ये जो लोकसभा के चुनाव है ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है, आपन सब सहमत हो कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, सब सहमत हो तो एक बार हाथ उठा के बताओ। चलिए, धन्यवाद, आप सब सहमत हैं।
हमारे सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिलिन है, जो एक गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मानते हैं और गांव गरीब किसान मजदूर हर वर्ग के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हमारे लिए मन काम करते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जिला हमारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए सबके लिए काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिला तीसरी बार हमारा प्रधानमंत्री बनाना है। ओकर लिए चुनाव हमारे भारत देश ला मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। ये देश ला आने वाला 5 साल में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है और एक बड़े चुनाव है। इसलिए मैं आप मन से आग्रह करे आए हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी है, आपन के क्षेत्र के बेटे भी हैं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, जो आप मन के सब बीच में लंबे समय से काम कर रहे हैं। पहले विधायक, संसदीय सचिव के रूप में, पार्टी के जिला के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो ऐसे रूप कुमारी चौधरी ला आने वाला 26 अप्रैल के आपन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में मिलना चाहिए, ये मैं आपन से आग्रह करे बढ़ाए। आपन के आशीर्वाद मिले ना रूप कुमारी चौधरी जिला 26 तारीख ला मिले कि नहीं मिली ना? हाँ, भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी का लबरा पार्टी, ठगरा पार्टी है ना, 5 साल शासन करी, बड़े बड़े वादा करके शासन में आए रही से, 36 ठन वादा, एक ठन वादा पूरा हुई, एक ठन वादा पूरा हुई, 500 रुपया कितना, 1000 रुपया हमारे माता मला दहूं कहे मिली तो बोला कछु नहीं मिली, पूरा ठगे के काम करी। और 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ का अपराध गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, हर चीज में भ्रष्टाचार के काम करें, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, जिला कितना 38,000 से जिताया ना, तो लोकसभा में दुना होना चाहिए कि नहीं, दुना होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए, 80,000, चल आप मन बोलो था भाई 80,000, तो आप मना करना पड़ी, सब जनता रूप कुमारी चौधरी बन के एक एक घर में जाना पड़ी, एक मतदाता से संपर्क करना पड़ी। आज कोई ऐसा घर नहीं हुई जे घर ला कोई लाभ नहीं मिले हुई मोदी जी के सरकार के, या हमारे 3 महीना के काम के, या हमारे 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अमर सिंह के सरकार के, कोई घर हुई ऐसा जो ना कोई लाभ नहीं मिले हुई? सब ला मिले हुए, कांग्रेसी वाला भी मिले हुई, ओमला भी समझाना है कि भाई जब कांग्रेस न छोड़ के आवा, आज कांग्रेस में भारी भगदड़ होगी से, जहां पे मन जा था कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आज में। अब एक मैं 2 दिन पहले दुर्ग में रहे तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के भाभी सीमा बघेल बोलो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गई, तो ये कांग्रेस की दुर्गति होगी से। तो इस समय माला एक भी सीट छत्तीसगढ़ में लेह पर देना नहीं है कि देना है, पूरा 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के हमारे प्रधानमंत्री जी ला देना है। और सौभाग्य की बात है कि 23 तारीख के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके धमतरी में आज में आप मन से आशीर्वाद मांगे बर, आप मन के सहयोग मांगे बर 23 तारीख के 3 बजे है ना, 3 बजे धमतरी में आते हैं, तो मैं भी भारी संख्या में जाना है और उनके आशीर्वचन ला सुनना है। और आप पर मोदी की गारंटी में विश्वास करके यहाँ सरकार में बैठाया है, तो अभी मुश्किल से 4 महीना हुई से सरकार ला, लेकिन मोदी की गारंटी में जो हमन वादा कर रहे हैं वो बहुत सारा वादा के हमारे
चार महीना में पूरा करें। एक तो कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, लेकर अधूरा मकान रही तो अधूरा के अधूरा रह गए, सरकार पूरा नहीं करवाई। इसीलिए गरीब मन के आम कांग्रेस पार्टी के लग गई और मन सरकार से बाहर हो गई। हमन 13 दिसंबर के शपथ लेन और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख मकान के स्वीकृति दे दे हैं। अभी ये चुनाव के बाद में सबके प्रधानमंत्री के आवास बनना शुरू हो जाएंगे। 18 लाख गरीब मन के मकान बने और जेवन के अधूरा है उमन के अधूरा मकान भी पूरा हुई। ये मैं आप बोला भी खा गई है कि नहीं, लेकिन हमारे एक मुफ्त 917 रुपए प्रति क्विंटल अंतर की राशि एक मुफ्त हम देने के काम करें। हमारे महातारी मन यहाँ बैठी है, कितना ज्यादा महातारी बंधन के दूसरा किस्त मिल गए, हाथ उठावा सब लोग मिल गए, बोला धन्यवाद। हर महीना आप बोला पहली सप्ताह में मिल ही हर महीना। मैं हमारे सरकार के वित्त मंत्री ला बोल चुके हूँ कि हर सप्ताह हर महीना पहली सप्ताह में हमारे माता बहनी मन के खाता में 1000 रुपया जाना चाहिए। आज भरमाई के काम करते थे कांग्रेस से अमन अमन कहते हैं कि महातारी बंधन के पैसा ये चुनाव रहते तक मिली होकर बात बंद हो जाएगी। आप मन लावन के भ्रम में पढ़ना नहीं है। आज मैं आप मन के सामने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खड़ा हूँ और आज मैं आप मन बोलता हूँ जब तक हम सरकार में है तब तक आप मन के 1000 रुपया प्रति महीना पहली सप्ताह में ही आप मन के खाता में जाएगी। आज मन फरमाए के कोशिश करते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई है, दिल्ली में भी सरकार बन जाएगी तो जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। हम मोदी जी कह चुके हैं कि जब तक हम लोग सरकार में हैं, कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा। और अभी 4 महीने पहले हमारे गृह मंत्री भी खैरागढ़ के सभा में फिर दोहरा चुके हैं कि जब तक हम लोग हैं, चाहे वो SC ST OBC आरक्षण हो, कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं। अभी हम एक और ठगे के काम करते हैं, 1 लाख रुपया के फार्म भरवाते हैं। कैसे माता बहनी मैं भरवाते हैं ना 1 लाख रुपया के कि हमारी सरकार आएगी तो 1 लाख रुपया देंगे, महीना का 8000 रुपया देंगे। आप लोग विश्वास लगते कांग्रेस आनंद नहीं, ये फिर ठगे के काम करते हैं। कोई देने वाला नहीं है मन, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाला बात है। छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है, दिल्ली में मन के सरकार बनेंगे 0% भी गुंजाइश नहीं है तो कहां ले मन पैसा देंगे। तो खाली ये जनता ला हमारे माता बहनी वाला ठगे के काम करते हैं, तो मन के ठगावा में हमला आना नहीं है। और ज्यादा भी करते हमारे कार्यक्रम और मजे है। आप सबसे मैं फिर से आग्रह करना चाहूँ कि आने वाला 26 अप्रैल के आप उनके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। आप मन यहाँ कमल छाप में बटन दबाया तो वो हर सीधा हमारे प्रधानमंत्री ला मिली, नरेंद्र मोदी जी ला मिली और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। और आप मन के भरपूर आशीर्वाद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी ला मिले। भारी मत से सांसद के रूप में ये जीत के दिल्ली जाए, यही आप मन से प्रार्थना कहकर मैं आ रहे हैं। और बाकी सारा दुख तकलीफ आप मन के काम धाम ये चुनाव के बाद में सब साए साए हुई है ना, सब साए साए हुई। यही आशीर्वाद मांगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।